हमारे अभी परसों की बात है, हमारे महिला नर्सिंग कर्मचारी जो है सोनोग्राफी करवाने के लिए उनके रिलेटिव की गई थी, तो अपने सोनोलॉजिस्ट जो डॉक्टर मनोज सिंगुरिया जी, तो उनको बोला कि सर मैं स्टाफ से हूँ, यूनिफॉर्म में थी कंप्लीट विद आईडी, एप्रिन पहन रखी थी, तो शायद उनको पहचान जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कौन, तो कि साहब मैं स्टाफ से हूँ, तो मैं थोड़ा ऑन ड्यूटी हूँ, तो मेरे पेशेंट की जो है आप सोनोग्राफी कर दीजिए। तो उन्होंने और तो कुछ बोला नहीं, हमारी महिला नर्सिंग कर्मचारी ही कह रही थी कि उन्होंने अवगत कराया हमें, क्योंकि तो मेरा टच करके और मेरा मास्क अपने आप ही डॉक्टर साहब ने उतार दिया, तो मेरे को हर्ट हुआ, मेरी भावनाओं को टेस्ट पहुंची, तो उस बेस पे मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको ये मास्क नहीं उतारना था, आप सिर्फ इतना बोल देते कि सिस्टर मेरे को, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मेरे को आपको देखना है, सिस्टर का कहना है मेरे को आपको देखना है, कि सब आप मुझे बोल देते मैं मास्क उतार देती, लेकिन उन्होंने डॉक्टर साहब ने खुद ने मास्क उतार दिया, तो उसको हर्ट हुआ सिस्टर को, उसकी भावनाओं को टेस्ट पहुंची, तो उन्होंने कहा कि सर आपने गलत किया है, उनको कहा कि सिस्टर आज के बाद आप स्टाफ सोनोग्राफी करवाने आओगे पेशेंट की तो हम नहीं करेंगे। तो ऐसी बात होने के बाद में आवेश में आया कि पीएमओ साहब को उनको अवगत कराना था, उन्होंने पीएमओ साहब को अवगत कराया, पीएमओ साहब को अवगत कराने के बाद में पीएमओ साहब ने कहा कि अभी पेशेंटों की भीड़ है, 1 बजे के बाद में डॉक्टर साहब बुला लेंगे और बातचीत करेंगे, पारिवारिक अपने राजकीय चिकित्सालय परिवार का मामला है, बैठ के बात करेंगे। 1 बजे के बाद जैसे वो आए, तो हमारे महिला नर्सिंग कर्मचारी का ही कहना है कि हमारे कुछ नर्सिंग ऑफिसर भी साथ में थे उस टाइम, तो जैसे बातचीत की डॉक्टर साहब क्या हुआ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा सा सहमति बनी कि साहब गलती हो गई, तो इतना होने के बाद में फिर हमारे महिला नर्सिंग कर्मचारी भी बिल्कुल शांत थी और डॉक्टर साहब भी शांत थे, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि डॉक्टर साहब ने कुछ इस तरीके से फिर पारिवारिक उन्होंने इस तरह के कमेंट्स किए कि ये तो हमारी कर्मचारी का ही कहना है कि हाँ ये तो पागल है, मानसिक रोगी है और इनके परिवार भी मानसिक रोगी है, तो इतने में वो थोड़ा अपना आपा मानसिक संतुलन को खो गए और थोड़ा सा उनका जो है हाथ बिल्कुल लगभग थोड़ा सा टच हो गया, तो साहब ने सोचा कि मेरी बेइज्जती होगी, मुझे थप्पड़ मारी और कुछ मैटर नहीं। अब क्या मांगे? मांग ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि ये हमारे परिवार का मामला है, हम चिकित्सा डिपार्टमेंट की एक कड़ी हैं, डॉक्टर सर हमारे बीच में बहुत गहरे रिलेशन है, हम नहीं चाहते एक व्यक्ति की वजह से, हम डॉक्टर्स कैडर को ब्लेम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि एक डॉक्टर साहब ने जो गलती की है वो शुरुआत उन्हीं से हुई थी, हम ये चाहते हैं इस मामले को यहीं पे निपटाया जाए, अगर बैठ करके निपटा दें तो ज़्यादा बढ़िया है, आगे कार्रवाई।